नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज काफ़ी समय बाद हम चलेंगे एक नए सफ़र पर। हम लोग साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल के बारे में जानेंगे कि कितना काम हुआ है, और चलेंगे कास्टिंग यार्ड और गार्डर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे किस प्रकार सुपर स्ट्रक्चर को बड़े बड़े गाड़ियों में रखा जाता है, और गंगा नदी को पार करते हुए जाएंगे बिल्कुल नई ज़मीन पर, और आप देखेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतों का हम लोग को सामना करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महादेवगंज से जो सड़क, नई सड़क जो गंगा जी की तरफ जाती है, वहां से हमारी सफ़र स्टार्ट हो गई, और हम लोग देख रहे थे कि एक नई सड़क बन के तैयार है जो कि 4 लेन के रूप में है, काफ़ी प्लेन, और इसको रोड रोलर की मदद से समतल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ से काफ़ी गाड़ियां भी आ रही हैं। हम लोग चल पड़े और एक पुल का जायज़ा लेने के लिए। तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है यहां पर, और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये छोटी गंगा जी हैं, और यहाँ पर पिलर के ऊपर गार्डर को अच्छे से रख दिया गया है, और एक के ऊपर एक लगभग 8 या 9 गार्डर को पिलरों के ऊपर इस प्रकार से रख दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर सुपर स्ट्रक्चर रख करके रोड तैयार किया जाता है, जिस पर कि आप कुछ समय वाहन को दौड़ते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि ये 6 किलोमीटर का लंबा पुल बनाया जा रहा है गंगा जी के ऊपर, साहेबगंज टू मनिहारी, लेकिन उसके पहले एक छोटी गंगा जी पड़ती हैं, जिसके लिए कि आप जो ब्रिज देख रहे हैं, छोटा ब्रिज इसको बनाया गया है ताकि पानी नीचे से पास कर जाए और ऊपर से सारे वाहन जो है आराम से गुजर जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ मोटे मोटे पिलर हैं, और उसके ऊपर गार्डर को रख दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत देखने में लग रहा है, और काफ़ी समय तक के लिए ये चल पाएगा। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या काम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गार्डर काफ़ी बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े JCB मशीनों को लगाया जाता है, तब जाकर ये एक जगह से दूसरी जगह इसको रखा जाता है। अब हम चल रहे हैं कास्टिंग यार्ड की तरफ, और कास्टिंग यार्ड में पुल से जुड़े हुए सारे सामानों को एक जगह रखा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर भी रहता है, गार्डर भी रहते हैं, और लोहे के सारे सामान, सीमेंट वगैरह सब कुछ यहीं पर रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कुछ एक जगह सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि जो भी ज़रूरत पड़े आप यहां से ले सकें। यहां पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी जो है इस पुल का निर्माण कर रही है, और ये जो है सब कुछ एक जगह सामान रखा हुआ है काफ़ी बड़े एरिया में, लगभग 2 या 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ये सारा सामान एक जगह रखा हुआ है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, और लोगों को रहने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कैंप भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी हम लोग चलेंगे कास्टिंग यार्ड के अंदर और देखेंगे कि किस प्रकार सुपर स्ट्रक्चर को गाड़ी में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर बहुत अधिक संख्या में बना लिया जाता है पहले से, और इसे जहां पर इसकी ज़रूरत पड़ती है वहां पर इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रख करके लोड करके और फिर से ले जाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अधिक संख्या में, लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में यह स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, और इसे फिर दूसरी जगह ले जाकर असेंबल कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिल्कुल पास में और देखते हैं कि किस प्रकार ये काम होता है। दोस्तों, कास्टिंग यार्ड में जाना सभी को अलाउड नहीं है, फिर भी हमने परमिशन लेकर आपके लिए छोटा सा वीडियो तैयार किया है, और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से दिलीप बिल्डकॉन की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और जो माल की जरूरत पड़ती है वो यहाँ से ले जाया जाता है। तो आइए चलते हैं यार्ड के अंदर और देखते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर को एक दोस्ती के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कास्टिंग यार्ड के अंदर और देखें कि किस प्रकार से सुपर स्ट्रक्चर को, एक बहुत बड़ी गाड़ी है जिसमें कि लगभग 40 से 50 चक्के हैं, उस पर इस सुपर स्ट्रक्चर को रख करके एक जगह से दूसरी जगह जहां पर इसकी ज़रूरत है, जहां पर इसको असेंबल करना है, लगाना है, वहां पर इसको रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कितने बड़े और कितने लंबे साइज़ में है, और इसे किस प्रकार से गाड़ी के ऊपर रखा गया है। ये
कास्टिंग यार्ड के चारों तरफ का व्यू है, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए हैं सुपर स्ट्रक्चर के पास और यही गाड़ी है जो कि इसको ले जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे चक्के लगे हुए हैं और ये काफ़ी लगभग 220 या 230 टन भारी होता है दोस्तों, और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इतनी बड़ी और लंबी गाड़ियों का हमें सहारा लेना पड़ता है। आइए चलते हैं और देखते हैं। ये दिलीप बुल्डकॉन की गाड़ी है और देखिए कितना लंबा ये एक प्रकार का इसमें सुपर स्ट्रक्चर को लोड कर दिया गया है और क्रेन की मदद से, और इसे धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह जहाँ कि सेगमेंट को लगाना है, असेंबल करना है, उसे ले जाया जाएगा। तो आप देखिए इसे और कमेंट करके बताइए कि आपको ये देखने में कैसा लग रहा है। तो ये साहिबगंज का कास्टिंग यार्ड है। दोस्तों ये है गंगा जी, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, और इसे गर्म घाट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल एक नए सफ़र पर, जो कि बिल्कुल सामने में जो मैदान है वो कहलाता है रामपुर और हरिप्रसाद उत्तर लाइन, वहाँ पर चलेंगे। और लेकिन वहाँ पर चलने के लिए हमें एक नाव भी मिल गया है, तो चलिए चलते हैं नाव के माध्यम से और आपको दिखाते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ पर पहुँचने पर क्या क्या होता है। सभी हो गए हैं नाव पर सवार और ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए गंगा जी के साथ चल रहे हैं एक नए सफ़र पे, एक नए ज़मीन पर। सच कह रहा हूँ कि इतना आनंद शायद ही किसी और चीज़ में आता होगा। आपने अगर इस प्रकार का सफ़र किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों, सभी लोग हम लोग नाव में साफ सवार हो गए हैं और इस बड़ी गंगा नदी को पार कर रहे हैं इस नाव के द्वारा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए आप ये कितनी तेज़ी से हमारी नाव चल रही है। और अब हम पहुंच गए नए ज़मीन पर, पैर पड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने चेहरे पर मेरे मुस्कान है, और हम लोग सभी बिल्कुल चल जा रहे हैं अपने इस नए ज़मीन पर जो कि अभी अभी गंगा जी से छोड़ी है, और इसकी मिट्टी देख रहे हैं। मेरा पैर अभी इसमें धंस रहा था, और यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। सभी लोग पहुँच गए हैं और देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, और सभी ये अभी जो मिट्टी है यहाँ पर काफ़ी इसमें बालू है। 15-16 साल बाद ये ज़मीन हम लोग का पड़ा है, तो स्वाभाविक बात है कि चेहरे पर मुस्कान होगी ही, दिल में खुशी भी है। और आइए सुनते हैं कि बाबा लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों बाबा बता रहे थे कि कहां से कहां तक हमारी ज़मीन पड़ी है, और यहां पर आने के बाद तो जैसे हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं रहे। 15-16 सालों बाद ये ज़मीन हम लोग के हाथ में आई है, और पहले इस जगह पे गंगा नदी बहती थी, तो हम लोग यहां पर सेल्फी ले रहे हैं और चारों तरफ का व्यू देख रहे होंगे। जहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ये पूरा एक रेत ही रेत आपको दिख रहा होगा। आइए इसका पास से व्यू देखते हैं। तो ये मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर अभी रेत है, और ऐसा आपको लग रहा हो कि जैसे कुछ ही समय पहले गंगा नदी इसे छोड़ करके गई हैं, तो इसमें एक प्रकार का घाट बना हुआ है, और इसको देखने से लगता है कि किस प्रकार का मतलब हुआ होगा पहले जो गंगा नदी से छोड़ करके गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी समय बाद यहाँ पर आने के लिए मिला है। लगभग 15-16 साल बीत गए हैं, और एक बहुत बड़ा व्यू है दोस्तों यहाँ पर। अभी पूरी चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, तो हम लोग दौड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये रामपुर हरिप्रसाद उत्तर लाइन के नाम से जगह जाना जाता है, और यहाँ पर हम लोग का जो नया ज़मीन पड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारी ज़मीन पड़ेगी। तो एक प्रकार से आप सोच लीजिए कि पिकनिक बनाने के लिए आए हैं, और अभी तो इस पर खेती संभव नहीं है। एक साल बाद जब इस पर और थोड़ा मिट्टी का
एक बार मिट्टी जब इस पर पड़ जाएगा तब हम लोग इस पर कुछ ना कुछ बो सकते हैं या कुछ अनाज उपजा सकते हैं। तो हमारी सफ़र अब फिर से वापस हम लोग चलते हैं। नाव लगी हुई थी और हम लोग हो गए हैं नाव पे सवार और फिर से चल रहे हैं साहेबगंज की तरफ। तो फिर से आपको गंगा जी का सुंदर व्यू, सुंदर नज़ारा दिखलाते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी समय के बाद हम लोग ने अपने नए ज़मीन का व्यू देखा, नज़ारा देखा और काफ़ी संतुष्टि मिली, अच्छा लगा। तो कभी आप भी मनिहारी जाएं तो आप रामपुर या हरिप्रसाद उत्तर लाइन जो ज़मीन है उसको देखना ना भूलें। वो आप जहाज से भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो नाव है काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रही है साहेबगंज की तरफ और सभी लोग हम लोग बैठे हुए हैं और अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे साहेबगंज। तो दोस्तों बताइएगा कि ये सफ़र आपको कैसा लगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।